हेलो एवरीवन वेलकम टू एडू फंडे आई एम योर मेंटर ऑफ मैथमेटिक्स इन दिस सेशन वी विल लर्न परमुटेशन देखिए से एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है ठीक है इसमें अगर आप वन टू वन खेलना जानते हैं तो परमुटेशंस को इजीली आप डील कर सकते हैं देखिए इंट्रोडक्शंस इंट्रोडक्शन में अगर देखें बिफोर गोइंग टू डिस्कस परमुटेशन लेट अस लर्न द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग क्या होता है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल द थ्योरी ऑफ परमोटेशन इन द थ्योरी ऑफ प्रमोटेशन अगर आप देखें तो फंडामेंटल काउंटिंग प्रिंसिपल क्या होता अगर प्रोडक्ट रूल देखें इसमें दो रूल्स होते प्रोडक्ट रूल और समीशन रूल तो अगर आप प्रोडक्ट रूल देखें इफ एन ऑपरेशन कैन बी परफॉर्म्ड इन एम वेज एंड सेकेंड ऑपरेशन कैन बी परफॉर्म्ड इन एन वेज

टू ऑपरेशन है लाइक like एक पार्ट है लाइक like आपको जैसे कि मैं अगर आपसे कह रहा हूँ चंडीगढ़ से दिल्ली जाना है आपको और चंडीगढ़ से दिल्ली के बीच में आप एक स्टॉपेज आती like एक है लाइक एक स्टॉपेज कुछ कुरुक्षेत्र ठीक है तो यहाँ से कुरुक्षेत्र जाने के पंद्रह रास्ते हैं और, और कुरुक्षेत्र से कुरुक्षेत्र से दिल्ली जाने के बीस रास्ते हैं तो अगर आपको यहाँ से चंडीगढ़ से दिल्ली जाना है तो फिर टोटल रास्ते कितने हो जाएंगे ट्वेंटी इंटू फिफ्टीन

in k operation the first operation can be performed in n1 which the second operation can be performed in n2 which and the third operations can be performed in n3 which and so on and the kth operation can be performed in nk which then the k operation in succession can be performed in n1 n2 n3 nk which let us see one example based on fundamental principle of counting एक एग्जाम्पल देखते एग्जाम्पल ए मैन टू डिफरेंट कलर पेंट्स एंड टू डिफरेंट कलर शर्ट्स द नंबर ऑफ वेज दैट ही कैन सेलेक्ट अ पेयर दैट इज वन पेंट एंड वन शर्ट अगर इन, अगर कोई पर्सन को अगर मैन को अगर कपड़ा पहनना है तो एक पेंट पेंट सेलेक्ट करेगा एक और शर्ट सेलेक्ट करेगा वो तो देखिए टोटल नंबर ऑफ वेज क्या होगी जैसे कि देखिए दो पेंट्स हैं तो हमने पेंट्स का नाम दे दिया P1 P2 और दो शर्ट्स हैं उनके पास तो शर्ट्स का नाम दे दिया एस वन तो टोटल तो नंबर ऑफ कम्बिनेशन क्या होगी देखिए पॉसिबिलिटी क्या होगा कम्बिनेशन हो की पी वन एस वन और क्या हो जाएगी पी टू एच वन तो टोटल कितनी कम्बिनेशन होगी फोर तो ये कैसे आया देखिए टू इंटू टू टू नंबर ऑफ़ पेंट्स हैं टू नंबर ऑफ शर्ट्स हैं तो यहाँ पे क्या है प्रोडक्ट रूल यूज हुआ है तो टू इंटू टू की वैल्यू क्या हो जाएगी फोर आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इन अ सेल्फ देयर आर थ्री डिफरेंट मैथमेटिक्स बुक टू डिफरेंट फिजिक्स बुक एंड वन केमिस्ट्री बुक ए स्टूडेंट कैन सेलेक्ट अ मैथमेटिक्स बुक ऑफ फिजिक्स बुक एंड अ केमिस्ट्री बुक इन थ्री इंटू टू इंटू वन वेज इक्वल टू सिक्स वेज एज एक्सप्लेन पी लो देखिए क्या कह रहा एक self है एक सेल्फ है जहाँ पे थ्री डिफरेंट मैथमेटिक्स बुक रखा हुआ है दो डिफरेंट फिजिक्स बुक रखा हुआ है और एक केमिस्ट्री बुक रखा हुआ है एक स्टूडेंट को एक मैथ्स की बुक एक फिजिक्स की बुक और एक केमिस्ट्री की बुक सेलेक्ट करनी है तो तो वो कितने वेज से सेलेक्ट करेंगे देखिए लेट द मैथमेटिक्स बुक बी एम वन एम टू एम थ्री और फिजिक्स बुक बी बी पी वन पी टू पी थ्री एंड केमिस्ट्री बुक बी सी वन तो देखिए वे क्या हो सकता है द सिक्स सेलेक्शन क्या हो सकता है मैथ्स की एम वन सेलेक्ट कर ले और फिजिक्स की पी वन सेलेक्ट कर ले और केमिस्ट्री की सी वन सेलेक्ट कर ले मैथ की एम सेलेक्ट रहने दे और इस बार फिजिक्स की बुक को चेंज कर ले पी टू सेक्ट कर ले केमिस्ट्री सी वन रहने दे क्योंकि केमिस्ट्री में सीवन के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है उनके पास और हो सकता है मैथ की एम टू सेक्ट कर ले केमिस्ट्री और फिजिक्स की पी वन सेक्ट करे केमिस्ट्री की सी वन और क्या हो सकता है मैथ की एम टू सेलेक्ट करे फिजिक्स की पी टू सेलेक्ट करे और केमिस्ट्री का सी वन सेलेक्ट करे और क्या हो सकता है एम थ्री पी वन और क्या हो सकता है? है M3 P2 C1 तो ये सारी टोटल सिक्स कंबिनेशन हो सकती है अब देखें एडिशनल प्रिंसिपल अब यहाँ पे देखेंगे हम एडिशनल एडिशन प्रिंसिपल क्या होता है एडिशन प्रिंसिपल बेसिकली जैसे कि आपने प्रोडक्ट रूल देखा तो यही एडिशन प्रिंसिपल यहाँ पे है अब अब उसके जगह दो दो रूल मोस्ट इंपॉर्टेंट है प्रोमोटेशन चैप्टर में एक प्रोडक्ट रूल दूसरी एडिशन प्रिंसिपल ठीक है तो अब देखते हैं हम एडिशन प्रिंसिपल इफ एन ऑपरेशन कैन बी परफॉर्म इन एन वेज एम वेज

तो दिस प्रिंसिपल इज डू टू फाइनाइट नंबर ऑफ ऑपरेशन वी कैन एक्सटेंड दिस प्रिंसिपल ऑफ फाइनाइट नंबर ऑफ ऑपरेशन ऑल्सो जैसे हमने देखा प्रोडक्ट रूल uh, को हमने एक्सटेंड किया था ऐसे इस प्रिंसिपल को भी एक्सटेंड कर सकते हैं इफ एन ऑपरेशन कैन बी परफॉर्म ए वन बेज सेकेंड ऑपरेशन कैन बी परफॉर्म ए टू बेज थर्ड ऑपरेशन कैन बी परफॉर्म ए थ्री बेज सो ऑन एंड द एन एथ ऑपरेशन कैन बी परफॉर्म ए एन बेज देन सेल्फ कंटेन थ्री डिफरेंट मैथमेटिक्स बुक एंड टू डिफरेंट केमिस्ट्री बुक्स द नंबर ऑफ वेज टू सेलेक्ट वन बुक एनी सब्जेक्ट आर मैथ और केमिस्ट्री इज थ्री प्लस टू इक्वल टू फाइव वेज ज एक्सप्लेन बिलो अब देखिए इस क्वेश्चन को देखते हैं अगर लेट मैथ्स की बुक को हमने कॉल कर लिया एम वन एम टू एम थ्री और केमिस्ट्री की बुक को कॉल किया सी वन सी टू तो वन बुक ऑफ एन एनी सब्जेक्ट तो एक बुक सेलेक्ट या तो मैं एम वन सेट कर लू देखिए या एम टू सेक्ट कर लू या एम थ्री सेलेक्ट कर लू या सी वन सेलेक्ट कर लू या सी टू सेलेक्ट कर लू टोटल कितने वेज होगा फाइव वे प्रमोटेशन ईच ऑफ द डिफरेंट अरेजमेंट इच ऑफ द डिफरेंट अरेजमेंट विच कैन बी मेड बाय टेकिंग सम or all of the finite set of object element each called a permutation dekhi permutation is what is each of different arrangement which can be made by taking some or all, all of the finite set of object each called permutation there are two types of permutation first one linear permutation second one is दो टाइप की होती है, एक लिनियर पोमोटेशन दूसरा होता सर्कुलर प्रोमोटेशन अब दोनों में ड्रास्टिकली अंतर हो बाद में देखते हैं फर्स्टली वी डिस्कस लिनियर तो पहले हम लिनियर प्रोमोटेशन को डिस्कस करते हैं देखिए लिनियर प्रमोटेशन प्रमोटेशन इज शेड टू बी लिनियर पोमोटेशन इफ द ऑब्जेक्ट आर ए इन अर इन ए लिनियर परम्यूटेशन इज सिंपली रिटेन एच ऑफ प्रमोटेशन एग्जाम्पल द लिनियर प्रमोटेशन फॉर्म बाय द टेकिंग सेट ए बी सी आर कैन यू गेस्ट द एंसर द लीनियर प्रमोटेशन फॉर्म बाय टेकिंग टू थिंग्स एट अ टाइम फ्रॉम द सेट ए बी सी तो कैन यू गेस्ट दिस एंसर्स आपको लिनियर प्रमोटेशन बनाना है और टू ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करने हैं यहाँ से तो देखिए क्या हो सकती है अगर आप देखें तो ए बी 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 ए या क्या हो सकता है ए सी और कोई ऑप्शन हो सकती सी ए बी सी और सी बी देखिये यहां पे ए बी अगर आप देखें तो यहां पे ए बी आपने सेलेक्ट किया और बी ए सेलेक्ट कर लिया ए सी सेलेक्ट कर लिया तो अगर आप देखें तो ये कितनी वेज आ गई यहां पे टोटल सिक्स वेज आ गई ठीक है अब नेक्स्ट देखिए टोटल नंबर ऑफ लीनियर प्रमोटेशन इक्वल टू सिक्स द लीनियर प्रमोटेशन फॉर्म आई टेक टू डिजिट एट अ टाइम फ्रॉम द सेट वन टू तो थ्री फोर तो आर ये क्या हो जाएगा देखिए वन टू तो टू तो वन वन टू टू वन वन थ्री थ्री वन वन फोर फोर वन टू थ्री थ्री टू टू फोर फोर टू थ्री फोर फोर थ्री तो टोटल नंबर ऑफ ऑफोटेशन कितनी होगी यहाँ पे टूवेल्व नोटोटेशन सेलेक्शन सेकेंड वन इज अरेंजमेंट देखिए यहाँ पे मैं आपको एक बात बताऊं यहाँ पे प्रमोटेशन अपने आप में टू वे की प्रोसेस है पहले चीजों को सेलेक्ट करता फिर अरेंजमेंट करता तो जब भी आपसे कभी प्रमोटेशन पूछे तो प्रमोटेशन अपने आप में टू वे की प्रोसेस है प्रमोटेशन क्या करता था पहली अगर आपको किसी के प्रमोटेशन के बारे में बताया गया तो पहले आप चीजों को सेलेक्ट करेंगे फिर चीजों को अरेंज करेंगे और टोटल दोनों की फाइनल आंसर्स क्या हो जाएगी उसको हम प्रमोटेशन बोलेंगे इन द फर्स्ट स्टेज वी सेलेक्ट द ऑब्जेक्ट एंड इन द सेकेंड एज देखिए यहाँ पे टू स्टेज के ये कहता हूं मैं टू वे की प्रोसेस है पहले चीजों को हम सेलेक्ट करते हैं फिर अरेंज करते हैं इन सेकेंड स्टेज वी अरेंज द सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट इन अ डिफरेंट ऑर्डर इन परमोटेशन द ऑर्डर ऑफ द ऑब्जेक्ट एलिमेंट इन विच दे आर अरेंज इज इम्पोर्टेंट देखिए प्रमोटेशं में हर एक ऑब्जेक्ट्स का ऑर्डर मैंने रखता है जैसे कि आप ए बी ए बी लिखें और बी ए लिखें तो ये डिफरेंट है प्रोमोटेशन केस में ये डिफरेंट है देखिए यहाँ पे ए फर्स्ट पोजिशन पे यहाँ पे बी डिफरेंट पोजिशन पे तो ये सारी इसको परमोटेशन है लेकिन अगर आपको सेलेक्ट करना होता तो सिर्फ ए भी आप काउंट करते हैं लेकिन जब आप अरेंजमेंट की बारी मतलब प्रमोटेशन की बारी है तो ए बी ए को आप टू डिफरेंट काउंट करते हैं Let us see one formula, find the तो अगर हम एक फॉर्मूला देखेंगे the the of of NPR. NPR, मतलब में से आपको आर ऑब्जेक्ट को प्रमोट करना है तो वो क्या उसको लिखते हैं हम एनपीआर और कुछ लोग इसको लिखते पी एन आर देखिये और क्या इसको पी को ऐसे लिखने का वे हो सकता है पी और ये ब्रैकेट का यूज कर सकते हैं अपॉन एन अपॉन आर ठीक है, हेयर आर की वैल्यू क्या हो सकती है आर ग्रटर देन इक्वल टू जीरो लेस देन इक्वल टू एन एन इज अ पॉजिटिव इंटीजर, एन आर इज आल्सो पॉजिटिव इंटीजर। वी राइट एन पी इक्वल टू बाय कन्वेक्शन आई होप दिस सेशन वाज़ प्रोडक्टिव फॉर यू थैंक्स फॉर वॉचिंग